हाय गाइस वेलकम, हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट और आज के इस वीडियो सीरीज में हम शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग। तो चलिए प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग में आपको गूगल क्रोम की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। टेक्स्ट एडिटर आप चाहे तो नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, या फिर सबलर्न टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। मेरा जो फेवरेट है, मैं यूज करता हूँ वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। तो वीएस कोड मेरा सबसे फेवरेट है, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले डाउनलोड करना पड़ेगा exe फाइल। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कैसे डाउनलोड करते हैं। सिंपली गूगल में आप जाकर टाइप कर दीजिए वीएस कोड डाउनलोड, जैसे वीएस कोड डाउनलोड टाइप इंटर करिएगा तो एक लिंक आती है और इस पहले लिंक पे आप क्लिक करके इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। जैसे विजिट करिएगा तो ये सब आपको इंटरफेस दिखाई देगा, विंडो के लिए है, उबंटू के लिए है, मैक ओएस के लिए भी है। तो हमें चाहिए विंडो के लिए, तो इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, क्योंकि मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं इसको कर देता हूँ पॉज, आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। जैसे डाउनलोड हो जाए, चूँकि वी एस कोड का सेटअप आपने पूरी तरह से डाउनलोड कर लिया है, तो आपको चाहिए कि आप उसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करिए, यस करके नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके फिनिश कर दीजिए, तो आपका वीएस कोड पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगी। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको उस वीएस कोड को ओपन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सर्च करनी होगी विजुअल स्टूडियो कोड। आप वीएस कोड भी इजीली सर्च कर सकते हैं, इसे वीएस मैंने क्लिक किया और ये आ गया। इसको करते हैं ओपन, इसे ओपन करेंगे तो अपना ये ओपन हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो हमें फोल्डर चाहिए, एक फोल्डर चाहिए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को रखने के लिए, तो हम जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और मैं कंप्यूटर में जाते हुए डी ड्राइव में मैं गया और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, आप भी फोल्डर बना लीजिए, आपको आता होगा। राइट क्लिक करके न्यू पे फोल्डर पर जाके इसका एक नाम रखते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के नाम से फोल्डर बना लिए। अब इसी फोल्डर पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेते हैं। ओपन विथ कोड करने से क्या होगा कि उस फोल्डर को हमने वीएस कोड में ओपन कर लिए हैं। अब जो भी प्रोग्राम को ऐड ऑन करना होगा उस फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी, आप मैनुअली भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए एक फाइल बनाते हैं। तो यहाँ दो फाइल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है दो तरीका से इम्बेडेड किया जा सकता है। एक तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट, जैसे वी कैन ऐड जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली टू आवर HTML फाइल राइटिंग द कोड इनसाइड द स्क्रिप्ट टाइप। आप स्क्रिप्ट टाइप को स्टार्ट करिए और स्क्रिप्ट टाइप को क्लोज करके अंदर में जावास्क्रिप्ट की कोड आप लिख सकते हैं। और दूसरा है एक्सटर्नल, तो हम एक्सटर्नल यूज करेंगे क्योंकि एक्सटर्नल बहुत ही सफिशेंट होता है यूज करना, उसमें कुछ है नहीं, एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी पड़ेगी हमें और फिर उस जावास्क्रिप्ट फाइल को हमें लिंक करना होगा उस HTML इंडेक्स फाइल में, जैसे हम CSS को बना के लिंक करते थे। तो चलिए पहले चलते हैं VS कोड में और वहाँ पे हम बनाते हैं अपना प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम बना लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। पहले फाइल बनाएंगे हम index.html का फाइल बनाएंगे और फाइल बनाते ही हमें HTML का कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि HTML कोड को ही रीड करता है ब्राउजर और ब्राउजर पे फिर हमें वो दिखेगा। तो आप HTML कोड इजीली लिख लीजिए, आपको पता ही है कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिलहाल मैं इस यहाँ पे शॉर्टकट मारना चाहूँगा। शॉर्टकट मारने के लिए एक्सप्लेनेट का ऑप्शन क्लिक करके इंटर दबा देने से हमारी HTML की सारी कोड आ जाती है एक डॉक्यूमेंट टाइटल के साथ। तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम और हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिंक करना होगा।
लिंक तब हम करेंगे जब हमें एक जावास्क्रिप्ट की प्रोग्राम होगी, एक फाइल बनाएंगे। तो हम एक फाइल और बना लेते हैं, इसको क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं js file1.js। js एक्सटेंशन के साथ ही आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो फिर काम नहीं करेगा। js file1.js इसलिए मैंने लिखा क्योंकि बहुत सारा फाइल बनाएंगे, इसीलिए मैंने वन से शुरू कर रहा हूँ, तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी। अब हम इसका आउटपुट देखना चाहेंगे, आउटपुट देखेंगे तो फिर कैसे, तो चलिए अगर मैं इसको आउटपुट देखना चाहूँ तो मैं इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा हमें। तो फिलहाल HTML टैग है तो इसको फिलहाल हम करते क्या है, एक हेड टैग का यूज करके देख लेता है कि मतलब ये कुछ आता है कि नहीं, JS प्रोग्राम ये आउटपुट देता है कि नहीं, तो देखते हैं, अपने टेस्ट करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं जो हमारा फोल्डर है, इसलिए फोल्डर हमने JS प्रोग्राम का यहाँ रखा है और इसको रन करते हैं। रन करने के लिए मैं गूगल से रन करूँगा, क्रोम से, तो क्रोम पर क्लिक करते हैं और देखिए JS प्रोग्राम टैग में दिख रहा है। तो ये चीज़ें, तो ये HTML की चीज़ है लेकिन जावास्क्रिप्ट इसमें हम अब ऐड करें। तो जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए जैसे कि मैंने कहा आपको कि जावास्क्रिप्ट को आपको लिंक करना पड़ेगा, और लिंक आप कैसे करिएगा, कहाँ से करिएगा, तो चलिए तो आपको बताते हैं कि कैसे करना है जावास्क्रिप्ट को लिंक। अब इस जावास्क्रिप्ट में हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है वो हमें देखेंगे। उससे पहले हम करते हैं जावास्क्रिप्ट को लिंक। लिंक करने के लिए कुछ है नहीं, बस सिंपल से आपको स्क्रिप्ट टाइप का यूज करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टाइप का यूज करिए आप, स्क्रिप्ट टाइप के अंदर आपको सोर्स लिखना पड़ेगा और उसमें आपको लिंक कर दीजिए फाइल। क्या फाइल, आप फाइल का नाम है js file1.js। ये आपकी फाइल लिंक हो चुकी है। अब इस फाइल को लिंक जब हम कर दिए हैं तो अब हमें क्या होगा, इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्रोम पे, उसको रिफ्रेश करके js प्रोग्राम index.html फाइल, यानी कि वो फाइल ओपन है बट js को हमें देखना पड़ेगा। js हम ऐसे नहीं देख सकते, js को हमें कंसोल की मदद से देखना पड़ता है। राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट करिए और यहाँ पे कंसोल पे आप क्लिक करिएगा तभी आपको js की आउटपुट दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ js फाइल जो कि हमारा है वो दिख रहा है। कंसोल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमने कुछ एक्टिविटी किया है कि नहीं। तो उस एक्टिविटी को देखने के लिए आप, चूँकि ये फाइल लिंक हो चुकी है, अब हम इस फाइल में जो भी काम करेंगे उस फाइल की आउटपुट हमें वहाँ दिखाई देगी। तो सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख के दिखाते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे शुरुआत से। सुन तो कुछ नहीं, इस पे लिखते हैं हम कंसोल, जो हमें कंसोल कराना है, कंसोल लिखते ही console.log लिखना पड़ेगा, console.log, और हमारी आउटपुट, हम जो आउटपुट चाहते हैं तो हम इसमें लिखते हैं सिंपल से हेलो जावास्क्रिप्ट, और हमें वो चीज़ें लिंक होके दिखाई दे देगा। तो चलिए हम रिफ्रेश करते हैं अपने इस कंसोल को और देखते हैं कि यहाँ पर आउटपुट आती है कि नहीं। जैसे रिफ्रेश करें, यहाँ पे देखिए हेलो जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट की आउटपुट हमें कंसोल पे दिखाई देगा। हम इसमें और भी चीज़ें, एक्टिविटी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि वेलकम टू JS ट्यूटोरियल, JS प्रोग्राम, JS प्रोग्राम सिंपल टेस्ट के लिए मैं लिखता हूँ, इसको करते हैं सेव। सेव करके देखते हैं कि ये आउटपुट दे रही है जी, वेलकम टू JavaScript प्रोग्राम दे रही है, तो JavaScript फुल्ली वर्क कर रहा है। इसमें चीज दोस्तों, एक चीज मैं और दिखा दूँ कि इसको हम और तरीका से भी पार्टीशन में बांट सकते हैं। पार्टीशन मीन्स कि जैसे कि मैं कोड लिख रहा हूँ, आप फिर जाके गूगल में देख रहा हूँ कि मतलब ये हो रहा है, तो हम इजीली, जो मैं अधिकतर यूज करता हूँ इस चीज़ को करने के लिए, वो मैं करता क्या हूँ कि इसको मैं आधे में रखता हूँ,
इसको और आधे में रखो। अब मुझे मुझे अगर कुछ करना भी हो तो मैं सिंपली यहाँ पे जो ये प्रोग्राम है तो है आई आई सम लिख लिया और यहाँ पे बस मैंने रिप्लेस कर दिया। एक्चुअली मैं इसको सेव नहीं किया था, सॉरी, इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।